नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज। मैं हूँ रिधि शर्मा आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं मारो राजस्थान की, राजस्थान की कुछ खबरों के साथ। सोचिए उस माँ के दिल पर क्या बीती होगी जिसने अपनी 8 साल की मासूम को दुकान पर सामान लेने भेजा। उसे रास्ते में ही एक दरिंदा बहला फुसला कर ले गया। जंगलों में ले जाकर उसने पहले दुष्कर्म किया, फिर गला घोट कर हत्या कर दी। हैवानियत की हद तो उस समय हो गई जब दरिंदे ने मासूम के शव को एक सूखे कुएं में फेंक दिया और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। एक दिन बाद डहरा मोड़ स्थित चोर पीपरी के जंगल में कुएं से गुरुवार को बच्ची की लाश बरामद हुई। आरोपी 3 बेटियों का पिता है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शशिकांत के मुताबिक मेडिकल बोर्ड से कराए गए पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। साथ ही बच्ची के हाथ और पैरों की हड्डियां टूटी हुई मिली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने खेड़ी देवी सिंह निवासी 30 वर्षीय राजेश पुत्र कलुआ जाटव को गिरफ्तार किया है। कैमरे में वही उस बच्ची के साथ नजर आ रहा है। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत शुक्रवार दोपहर मुंबई से जोधपुर पहुंची। जोधपुर से वे अपनी अगली फिल्म तेजस की शूटिंग में हिस्सा लेने सड़क मार्ग से जैसलमेर के लिए रवाना हो गई। मुंबई से कंगना अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लेकर आई थी। कंगना के साथ विमान से आए 10 यात्री कोरोना रिपोर्ट के बगैर ही जोधपुर पहुंच गए थे। बाद में एयरपोर्ट पर ही उनके सैंपल लिए गए। तेजस फिल्म की शूटिंग इन दोनों जैसलमेर में चल रही है। इस शूटिंग में हिस्सा लेने के लिए कंगना एयर इंडिया की फ्लाइट से जोधपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर कंगना ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वीरों की भूमि राजस्थान आकर उन्हें हमेशा अच्छा एहसास देता है। मेरी फिल्में भी वीरों पर आधारित है। मैं मणिकर्णिका फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में जोधपुर आ चुकी हूँ। मुझे यहाँ आना बेहद पसंद है। जोधपुर में थोड़ी देर ठहरने के बाद विकार से जैसलमेर के लिए रवाना हो गई। समझ अपनी भाषा में ही आता है। कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। राजस्थान में पिछले 1 साल से कोरोना के साए में मनाए जाने वाले तमाम त्योहारों की सूची में अब होली भी शामिल हो रही है। गृह विभाग ने 28 से 29 मार्च को सभी तरह के सार्वजनिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। ऐसे में इस बार जयपुर सहित प्रदेश के दूसरे सभी शहरों में होली का रंग फीका रहेगा। हालांकि होलिका दहन की रस्म अदा की जाएगी, लेकिन वहां भी भीड़ जुटाने पर रोक रहेगी। जयपुर में हर साल सिटी पैलेस में पूर्व राज परिवार की तरफ से बड़े स्तर पर होलिका दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यह परंपरा रियासत काल से चली आ रही है। इसमें सबसे पहले पूर्व राज परिवार होलिका दहन करता है। यहीं से लोग होलिका की लौ लेकर जगह जगह होलिका दहन करते हैं, लेकिन इस बार ये परंपरा सिर्फ पूर्व राज परिवार सदस्यों की मौजूदगी में निभाई जाएगी। न कोई धूम धड़ाका होगा, न कोई रंगारंग कार्यक्रम और न होलिका दहन के बाद आंच लेने के लिए शहरवासियों का हुजूम उमड़ेगा। इधर जयपुर के खासाकोठी परिसर सहित अन्य कई जगहों पर सामूहिक होली उत्सव मनाया जाता है। पर्यटन विभाग की ओर से खासाकोठी में देश विदेश से आने वाले मेहमान भी रंग उत्सव का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार वह नहीं होगा। आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में हर साल होली का उत्सव होली के दिन होता है। इस बार होगा या नहीं, इस पर आज या कल निर्णय किया जाएगा। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज आपकी आवाज के साथ। राजस्थान में पिछले 1 साल से कोरोना के साए में मने तमाम त्योहारों की सूची में अब होली भी शामिल हो गई है। राज्य गृह विभाग ने पिछले दिनों 28 से 29 मार्च को सभी तरह के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक लगाई है। इन आदेशों के तहत एक बार फिर प्रदेश के सभी शहरों में होली का रंग फीका रहेगा। हालांकि होलिका दहन की रस्म तो अदा की जाएगी, लेकिन वहां भीड़ जुटाने पर रोक रहेगी। स्पेशल ऑफर, अगर आप अपने व्यापार या अपनी पहचान को आमजन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें दीजिए विज्ञापन जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचेगा 70 करोड़ लोगों तक। जी हाँ, वो भी मात्र 1100 रुपए में वीडियो और 501 रुपए में स्क्रॉल विज्ञापन जो कि दिखाया जाएगा 2 दिनों तक। होलिका दहन 28 मार्च 2021 और रंगोत्सव 29 मार्च 2021 को। आप हमें टोल फ्री नंबर 1800420399 पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही हमें ईमेल करने के लिए आप editor.tnivaaz@gmail.com पर जा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी 7610866001 पर कर सकते हैं।
तो इंतजार किस बात का, अभी बुक कराएं अपना विज्ञापन आपकी आवाज के साथ TNI आवाज। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच NCP अध्यक्ष शरद पवार शुक्रवार को जयपुर पहुंचे, यहां वह दौसा के लिए रवाना हो रहे हैं जहां एक स्कूल का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल भी चार्टर विमान से जयपुर आए। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जैसे ही वे बाहर निकले, बड़ी संख्या में उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, फूलमालाएं पहनाई। असल में मुंबई के शिक्षा समूह की जानकी देवी पब्लिक स्कूल की दौसा के समीप नांगल बैरसी रोड पर नई ब्रांच खोली जा रही है, इसका उद्घाटन करने के लिए पवार को यहाँ आमंत्रित किया गया है। बाकी अतिथियों में ही विधायक मुरारी लाल मीणा, विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, कलेक्टर पीयूष समारिया, SP अनिल कुमार व रिटायर्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ललित के पवार शामिल होंगे। जानकी देवी स्कूल के उद्घाटन समारोह में मुंबई से लेकर जयपुर और दौसा से राजनीतिक हस्तियां तथा अधिकारियों के शामिल होने के मद्देनजर भव्य तैयारी की गई है। कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार सिटिंग व्यवस्था की गई है। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। तीन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी, सहाड़ा से डॉक्टर रतन लाल जाट और सुजानगढ़ से खेमाराम मेघवाल को टिकट दी है। गुरुवार देर शाम भाजपा संसदीय बोर्ड की मंजूरी के बाद उम्मीदवारों की घोषणा की गई। राजसमंद से दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी की पुत्री दीप्ति माहेश्वरी को उम्मीदवार बनाया है। दीप्ति के रूप में भाजपा ने नए चेहरे को मौका दिया है। सहाड़ा सीट से पूर्व विधायक और बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रतन लाल जाट को उम्मीदवार बनाया है। रतन लाल पुराने नेता है और स्थानीय कार्यकर्ताओं में उनकी पकड़ मानी जाती है। साड़ा में भाजपा ने पहले से ही जाट उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया था। सुजानगढ़ से पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल को उम्मीदवार बनाया है। खेमाराम मेघवाल पूर्व CM वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं। स्पेशल ऑफर, अगर आप अपने व्यापार या अपनी पहचान को आमजन तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमें दीजिए विज्ञापन जो की डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुँचेगा 70 करोड़ लोगों तक। जी हाँ, वो भी मात्र 1100 रुपए में वीडियो और 501 रुपए में स्क्रॉल विज्ञापन जो कि दिखाया जाएगा 2 दिनों तक। होलिका दहन 28 मार्च 2021 और रंगोत्सव 29 मार्च 2021 को। आप हमें टोल फ्री नंबर 1-800-420-3999 पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही हमें ईमेल करने के लिए आप editor.tnivaz@gmail.com पर जा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी 7610-866-001 पर कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, अभी बुक कराएं अपना विज्ञापन आपकी आवाज के साथ TNI आवाज। जयपुर में अजमेर बाईपास से आगरा बाईपास के बीच बनी दक्षिण रिंग रोड पर अब गाड़ी चलाना महंगा होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने 1 अप्रैल से रिंग रोड पर लगाने वाली टोल की दरों में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। इन दरों में 5 से लेकर 10 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं मासिक पास वाले वाहन मालिकों को पास के लिए 60 से लेकर 200 रुपए तक अधिक राशि देनी होगी। NHAI के मुताबिक सीतारामपुरा और हिंगोनिया टोल प्लाजा पर अब कार जीप वैन चालकों को एक तरफा जाने के लिए तो पुरानी दरों पर ही शुल्क देना होगा। एक ही दिन में आना जाना करते हैं तो उन्हें 5 रुपए अधिक देने होंगे। वहीं बसों व 2 चक्के वाले ट्रकों को 185 की जगह 190 और 3 चक्के वाले कमर्शियल वाहनों को 200 की जगह 205 रुपए टोल टैक्स चुकाने हैं, जबकि जिले के पंजीकृत कमर्शियल गाड़ियों के मालिकों को 5 रुपए तक ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610-866-001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। उदयपुर नगर निगम में BJP और प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कार्यशैली से नाराज कांग्रेसी पार्षद संजय भक्तानी ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। भक्तानी ने कहा कि वे पार्षद पद से सोमवार को इस्तीफा देंगे। संजय ने बताया कि जनता की सेवा के लिए वे राजनीति का आए थे, लेकिन राजनीति सिर्फ भ्रष्टाचारी और चटुकारता करने वाले लोगों का धंधा बनकर रह गई। ऐसे में अब वे राजनीति में नहीं रहना चाहते। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट।
कस्बे के भरतपुर रोड पर भीमनगर के सामने शुक्रवार तड़के घर के बाहर सो रहे दादी पोते से मारपीट कर अज्ञात बदमाश दादी के कानों से सोने के कुंडल खींचने के साथ ही एक मोबाइल छीन कर ले गए। विरोध करने पर बदमाशों ने पोते के सिर पर धारदार हथियार से वार किया। इससे पोते के सिर में गंभीर चोट आई है। घायल किशोर पोते को CHC प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दादी पोते किशोर शराबा करने पर घर के अंदर सो रहे परिजन बाहर आए और पुलिस को सूचना देकर दोनों को CHC ले गए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह घटना का पता चलने पर मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक चैनल जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। जयपुर के सांगानेर थाने में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के मैनेजर और संचालकों के खिलाफ शुक्रवार को एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें हजारों रुपए निवेश करवाने और बाद में उन्हें नहीं देने का शिकायत दर्ज करवाई है। मामला दर्ज होने के बाद सांगानेर पुलिस अब पूछताछ में जुटी है। मामले की जांच कर रहे सहायक पुलिस निरीक्षक रामलाल ने बताया कि रजनी विहार में रहने वाले अभिनव शर्मा ने मुकदमा दर्ज करवाया है। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर करणी सिंह, मुकेश मोदी सहित अन्य लोगों में उसकी मां मधु शर्मा और कृतिका शर्मा को सोसाइटी में निवेश का झांसा दिया। इस दौरान हजारों रुपए निवेश करवाने के बाद 3 बॉन्ड दिए और कहा कि एक निश्चित समय में लाभांश के साथ निवेश की राशि वापस लौटा दी जाएगी। अब ना तो निवेश की राशि लौटाई गई और ना ही लाभांश दिया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए TNI आवाज़।